Welcome back to my channel. So today's video is lipstick comparison or lipstick versus lipstick. So एक तरफ हमारे पास है SQ की baddest lipstick and एक तरफ हमारे पास है NYB की liquid lipsticks. So both are liquid lipsticks. So कई लोगों के रिव्यू जो YouTube पे आप लोगों ने देखा होगा SQ की baddest lipstick के बारे में बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं. NYB का रिव्यूज मैंने नहीं देखे हैं, SQ के देखे हुए हैं. सो यानी SQ मीन्स टेक वर्की एंड ये बहुत लिपस्टिक ही purple.com पर ही अवेलेबल है. सो ये लिपस्टिक्स आपको और कहीं नहीं मिलेगी, लोकल स्टोर या लोकल मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी. ये आपको जस्ट सिर्फ purple.com पर ही मिलेगी. सो श्रेक वर्की की जो लिपस्टिक है, मेरे पास जो शेड है वो है जस्ट गिव इट टू मी शेड नंबर 3 एंड प्राइस जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इंडेक्स लिपस्टिक है NYB की लिपस्टिक, NYB की लिक्विड लिपस्टिक एंड इसमें जो शेड है वो है इट्स वेलवेटी अंडर द ग्राउंड शेड नंबर 3. सो मैंने ये दोनों ही purple.com से लिया है एंड ये दोनों सेम शेड आ गए हैं. तो मैंने ये शेड पहले ऑर्डर किया था एंड मैंने ये बाद में ऑर्डर किया था NYB का, बट ये दोनों सेम है और एग्जैक्टली सेम है. सो हम पहले बात करते हैं स्टेक वर्की की लिपस्टिक की. स्टेक वर्की का जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से हैगा. ये स्टेक वर्की बैडेस्ट लिक्विड लिपस्टिक एंड ये यहाँ पे लिखा है लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम. ओके सो एंड यहाँ पर इसकी MFG दे रखी है, एक्सपायरी दे रखी है और इसके वॉल्यूम दे रखा है. इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 8 ml एंड इस पर जो MRP है वो 325 है एंड मैंने इसको परचेज किया था 50% डिस्काउंट में. आई डोंट नो इसमें कितना प्राइस था उस टाइम पे, तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा. सो एंड ये जो लिपस्टिक है ये भी मैंने 50% ऑफ पर ही परचेज की थी आई थिंक. एंड इसकी इस तरफ यहाँ पर सब लिखा हुआ है MFG एक्सपायरी और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी वगैरह वगैरह. सो यहाँ पर भी इसके बारे में क्या लगेगा, क्या क्या करता है, नॉन फ्लेकी, लाइट वेट फॉर्मूला, लॉन्ग लास्टिंग, ड्राइज ऑफ क्विकली एंड ये वेलवेटी और ये वेलवेट इसका जैसे नेम है ये वेलवेट मैट लुक देने वाला है आपको, जैसे वेलवेट का मैट लुक होता है. और इसमें इसके बारे में भी सेम क्लेम है कि ये आपको वेलवेटी मैट लुक देने वाला है, बट दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों के फॉर्मूलाज में डिफरेंस है. ये क्विकली ड्राई तो होते हैं बट ओवर ड्राई हो जाते हैं. तो आपने इसकी पैकेजिंग देख ली, मैं इसको ओपन करती हूँ. सो ये कुछ इस तरह से आती है. ये है लिपस्टिक स्टेक वर्की की, ये इस तरह की पैकेजिंग है. ये सिर्फ 8 ml है एंड इसका जो हैगा ये जैसे कि NYB की सभी लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं उस तरह से, जस्ट इस पर NYB लिखा हुआ है यहाँ पर, नथिंग एल्स. एंड यहाँ पर इसकी एक्सपायरी एंड इसका प्राइस और सब कुछ लिखा हुआ है, बट इस पर इसकी एक्सपायरी और प्राइस कुछ नहीं लिखा हुआ है. अगर इसका कार्डबोर्ड खो जाएगा तो आपको इसकी एक्सपायरी पता नहीं चलेगी, बट इसका अगर कार्डबोर्ड खो जाएगा तो आप इसकी एक्सपायरी इसकी ग्लास बॉटल में देख सकते हैं. सो ये दोनों ही ऑलमोस्ट ग्लास बॉटल में ही है. ग्लास पैकेजिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग का मिक्स होता है, प्रॉपर ग्लास नहीं होता, ये प्रॉपर प्लास्टिक नहीं होता है ये. सो हम इसका स्वैच मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये देखिए ये है इसका जो है, दोनों मैंने शेड अप्लाई किए हुए हैं, ये दोनों ही शेड. जो ऊपर वाला शेड है वो है NYB का एंड जो नीचे वाला शेड है वो स्टेक वर्की का. तो जो स्टेक वर्की का आप अप्लाई करेंगे तो एकदम कुछ सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में आप मान लीजिए ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा. एंड सेम विद दिस NYB का भी सेम ऐसे ही ड्राई हो जाएगा, बट इन दोनों में फॉर्मूलाज में बहुत फर्क है. ये बिल्कुल बहुत वेलवेटी कह सकते हैं हम इसको, ये एग्जैक्टली वेलवेट मैट फिनिश देता है एंड ये भी वेलवेट मैट फिनिश देता है. एंड ये दोनों सेम शेड है, अगर आपको किसी दोनों में से कोई भी परचेज करना हो तो ये दोनों सेम शेड है एकदम, कोई भी ले सकते हैं. बट इसमें मुझे इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये फ्लेकी हो जाता है आफ्टर इन 15 मिनट्स, जस्ट इन 15 मिनट्स ये आपको फ्लेक्स नहीं लगता. आप इसको निकालते रहेंगे, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं ऐसे इसको निकालते रहेंगे, आपको खुद ही फील होता रहेगा यार ये कुछ अड़ रहा है यार यहाँ पे कुछ. रबड़ का ना इरेजर से हम रब करते हैं जस्ट इससे उसके फ्लेक्स बन जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आपके यहाँ पे इस पर फ्लेक्स दे देगा. बट इसके साथ ये केस नहीं है, आपको ये फ्लेक्स नहीं देगा, अच्छा फिनिश देगा. बट ये ज़्यादा टाइम आपके लिप्स पे नहीं टिकेगा, आप कुछ ऑयली या कुछ ऐसा वेट कंज्यूम करते हैं तो ये आपके निकल जाएगा. 4 to 5 hours ये आपके लिप्स पे रहने वाला है, बट कुछ ज़्यादा ऑयली खा लेंगे तो ये आपके लिप्स पे इससे निकल जाएगा सेम. और ये तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा बिकॉज इसके ऑलरेडी फ्लेक्स बनते हैं. और मुझे नहीं पता कि इसकी बेडेस्ट लिपस्टिक के इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ कैसे हैं, बट पर्सनली मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है SQ का बेडेस्ट लिपस्टिक. इसके कंपैरिजन में ये कॉस्टली भी है बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है. बेशक इन्होंने वेलवेट मैट फिनिश में बनाया हुआ है, वो पिक्चर में जितना अच्छा लगता है ये रियल में उतना अच्छा नहीं है, बट ये NYB का जो फॉर्मूला है ये अच्छा है, स्मूथ है, सूदिंग है इसके कंपैरिजन में. बट और भी इससे अच्छे अच्छे ब्रांड हैं जो बहुत आपको एकदम मॉइस्चराइजिंग फिनिश देते हैं, हाइड्रेटिंग फिनिश देते हैं. इन दोनों में से कोई भी लिपस्टिक उतनी हाइड्रेटिंग नहीं है, आपको ड्राई फील होगा. ये बहुत कुछ लिपस्टिक्स का क्या होना चाहिए, आपको लिप्स पे ड्राई फील नहीं करना चाहिए, वो एक मॉइस्चर फील करना चाहिए. हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है लिप्स के लिए, बट ये दोनों बहुत ड्राई हो जाते हैं. और समर्स में तो ये बहुत ड्राई हो जाएंगे क्योंकि वैसे ही अब मैं समर्स की वजह से बहुत ज़्यादा
प्रयास लग लग के पानी की बहुत नीड होती है, तो ये इसके लिए अगर आपको दोनों में से परचेज करना हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये उतना ड्राई नहीं होता है बट ये बहुत ड्राई हो जाता है। सो ये था दोनों का कंपैरिजन, आपने इसका स्वैच भी देख ही लिया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो मैंने जो ये लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है ये है एम एम्स्टरडैम की लिपस्टिक, जो कि शेड नंबर आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये भी मैंने इन्हीं के साथ 50% ऑफ में परचेज की थी। purple.com पे बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं, उस टाइम सभी लिपस्टिक्स पे 50% ऑफ चल रहा था, तो मैंने ये कुछ लिपस्टिक्स परचेज की थी। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप इसके बारे में कैसा फील कर सकते हैं या आप इसको ट्राई करके ही फील बता सकते हैं। सो अब हम चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।